और अभी भी मैं जेल में ही बंद हूँ गाइस। वैसे लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कि एक कॉप था, कॉप क्या अपना ये पुलिस वाला जो कि हमें यहाँ लेकर आया था, वो एक कैदी को लेकर आया था गाइस इसी वाले जेल में। काफी खूंखार कैदी था, अभी तक वो 99 मर्डर कर चुका था और 50 बार से भी ज्यादा बार वो जेल से भाग चुका था। ऐसे कैदी को भाई लाकर उसने हमारी सेल में डाल दिया और उस वाले कैदी ने भी भागने की दोबारा से 51वीं बार की प्लानिंग बनाई और हमने सोचा कि चलो हम भी इसके संग भाग लेंगे। बट गाइस उल्टा ही सीन हो गया, वो कैदी तो मस्त भाग के निकल गया बट हम लोग इधर ही रह गए, ऊपर से फंस और गए और भाई लिटरली में बहुत ही ज्यादा बुरा सीन हो गया था। बट जब हम लोगों ने गाइस मतलब मैंने तो नहीं, जो कैदी था जब भागने के लिए उसने पुलिस वाले को बेहोश किया था तो उसका मोबाइल यहाँ पर नीचे बेड के नीचे गिर गया था। अरे ये बेड है, नहीं नहीं मतलब जो भी है उसके नीचे गिर गया था। और फिर गाइस जैसे हमें इन लोगों ने वापस सेल में डाला, हम लोगों ने वो मोबाइल उठाया, सीधे कॉल लगाया ड्राइवर को और ड्राइवर से कहा कि भाई प्लीज हमें बचा ले। तब तक वो पुलिस वाला आ गया और मैंने उसका मोबाइल उसे वापस कर दिया। तो ये सब हुआ था गाइस लास्ट वाले एपिसोड में, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। बाकी आज तो गाइस वेट करना है बस ड्राइवर के आने का, बस कब वो आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा पता नहीं ये चीज कब होने वाली है। बट एक चीज मैं कह सकता हूँ गाइस, होगी जरूर ये चीज, भले हमें ये नहीं पता कि ड्राइवर कब आएगा कैसे आएगा बट आएगा जरूर, क्योंकि हमारे जितने भी पक्के दोस्त है, लेस्टर हो गया, माइकल हो गया, लेमार हो गया, ड्राइवर हो गया, साइमन तो खैर दोस्त नहीं कह सकते, वो एक नंबर का मतलब ही बंदा है, उसे छोड़ो साइमन को साइड करो, बाकी जितने भी अपने दोस्त है गाइस वो सारे एकदम परफेक्ट दोस्त हैं। बाकी देखते हैं मदद करते हैं कि नहीं, ड्राइवर आता है या फिर नहीं। ये देखो भाई इन दोनों को मजे से सो गए हैं। अरे तो क्या करे यार, कोई भी हमें निकाल तो रहा नहीं है तो मजे से थोड़ा सो ही लेते हैं। सारे के सारे सो रहे हैं भाई। भाई साहब यार कलवे मैं कहा सोया यार, ले भाई तू भी तो सो ही गया, वो तो तूने धक्का दे दिया यार इसलिए गिर गया, वरना मैं नहीं सो रहा भाई। हाँ हाँ, और एक तो ये कौन तबला कौन बजा रहा है यार, दिमाग खराब कर दिया है। ओए बगल वाले कैदी 2 मिनट शांत हो जा। मैं क्यों शांत हो जाऊँ यार, अरे यार ये मान ही नहीं रहा भाई, सच में सर खा रखा है सुबह से इसने भाई, लिटरली मैं सुबह से ही इसी आवाज में ये म्यूजिक बजा रहा है। तो क्या करूँ यार, म्यूजिक ना बजाऊ मैं। अबे भाई तू सिंगर है तो जेल के अंदर क्यों आया? अरे बताया तो था, जो मेरा कॉन्सर्ट सुनने आए थे लोग उन्हीं को लूट लिया मैंने। अरे एक बात बता, तुझे तबला किसने प्रोवाइड किया बे? पुलिस वाले ने, हमें तो वो मोबाइल तक नहीं देता, तुझे तबला भी दे दिया। तबला की बात करो, गिटार भी दिया है क्या? अरे फैबे ये तो नाइंसाफी है यार, बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली नाइंसाफी है यार। बताओ इसे तबला, तबला तो नहीं पता नहीं कुछ और ही है गाइस वो, पर जो भी हो कितनी बेकार आवाज है भाई, तबले की तो मस्त आवाज होती है, क्या बजा रहा है भाई? अरे यार पुलिस वालों को जो मिला वही दे दिया इन लोगों ने मुझे। आज जो भी बजा रहा है, और भाई गिटार ही बजा ले, वो उतना अच्छी तरीके से नहीं आता। अरे तो फिर ये भी मत बजा। नहीं भाई मैं तो बजाऊंगा। अरे यार ये नहीं शांत होने वाला भाई, ये शांत नहीं हो रहा भाई, मेरे को गुस्सा आ रही है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। भाई साहब कल कान में रुई लगा ले भाई, मैं रुई कहाँ से लाऊं यहाँ पे। अरे तो फिर सो जाओ यार, हमारी तरह तुम भी मजे से है। कहाँ सोऊं, जगह भी तो नहीं है। अरे भाई साहब कल तू बोले तो नीचे सो जा। अबे मुझे लगा कहेगा कि तू बोले तो मैं हट जाऊं। मैं क्यों हटूं बे, मैं तो यही सोऊंगा, तू भाई नीचे सो जा। लगता है गाइस जमीन पे ही सोना पड़ेगा। अरे यार सो जाओ, जमीन पे जगह वैसे भी है नहीं। चलो सो ही जाते हैं गाइस। हाँ पता नहीं ड्राइवर कब आने वाला है, वेट करते हैं ड्राइवर का। भाई आज ये ड्राइवर यार तेरे भरोसे ही टिके पड़े हैं, कल परसों हमें ये लोग शिफ्ट भी कर देंगे। भाई ड्राइवर प्लीज आज यार, पता नहीं गाइस कभी आएगा। आ गया क्या? अरे सो जाओ यार, जब आएगा आ जाएगा। ठीक है सो ही जाते हैं। अरे यार ये फ्रैंकलिन भी बिल्कुल ही अजीब और गरीब बंदा है, लोग बताओ यार कांड कर कर के जेल के अंदर जाते हैं, ये बिना कांड के पहुंच गया। चलो छोड़ो जो भी हो, दोस्त तो अपना ही है, बचाना तो मुझे ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी यार अब जेल में गया है तो कुछ काम करके ही गया होता, बताओ बिना कुछ किए ही फंस गया। अब मुझे ही देखो यार, मैं लेकर आया था ये वाली गाड़ी, ठीक है मैं इस वाली दुकान पे आया था ऐसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए इस वाली गाड़ी को लेके, लेकिन जाऊंगा मैं इस मस्त वाली गाड़ी को लेके, पता नहीं मुझे किसकी गाड़ी है लेकिन फिर भी लेके जा रहा हूँ। भाई ऐसा होना चाहिए जीवन में, कम से कम कुछ कांड तो करो ताकि जेल के अंदर जाओ तो भाई शान की बात रहे। एक इस फ्रैंकलिन को देख लो, बिना कुछ किए फंस गया, अब इसको बचाने के लिए जाना तो मुझे ही पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक प्लान तो है, देखते हैं प्लान काम करता है या फिर नहीं। प्लान वैसे काफी ज्यादा मस्त है यार। देखो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पलीटो बे और पलीटो बे से किसी पुलिस वाले की ड्रेस चुरा लूंगा, ठीक है, और उसके कपड़े पहन के उसकी गाड़ी चुरा के मैं बन के जाऊंगा एक
पुलिस जो बेकअप पुलिस वाला उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पर फ्रैंकलिन को रखा है पुलिस वालों ने, और उनसे कहूंगा कि इसने पलिटो बे में भी चोरियां की हैं और पलिटो बे वाले ही जेल में इसे ले जाने दो, बस वो लोग ले जाने देंगे, मैं उसे बचा लूंगा। वेरी सिंपल प्लान। तो सबसे पहले चलते हैं पलिटो बे ताकि किसी पुलिस वाले की ड्रेस चुराऊं और गाड़ी चुराऊं। चलो यार चलते हैं। वैसे यार अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ यार अभी जब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दो। बाकी ये आ चुका हूँ मैं पलिटो बे, और इधर ही है वो पुलिस वाला, मतलब पुलिस वाला क्या, इधर ही है वो पुलिस स्टेशन, पलिटो बे का खतरनाक वाला पुलिस स्टेशन। ये रहा, यही है ना, एक सेकेंड मैं खुद थोड़ा सा भूल गया हूँ। हाँ यही है पलिटो बे का मस्त पुलिस स्टेशन। बस यहीं से पुलिस वाले की गाड़ी और पुलिस वाले के कपड़े चुराने। चलो चलते हैं जरा जल्दी से। हेलो पुलिस ऑफिसर, सल्यूट कर रहे हो मुझे? ओके, तो ये है काफी खतरनाक पुलिस स्टेशन। बताओ यार, एक मेरा दोस्त पुलिस स्टेशन में फंसा पड़ा है और मैं यहाँ पुलिस वाले को ही पीटने आया हूँ। ओहो, तो यहाँ पर काम काज चल रहा है अंदर। ओह, सामने एक पुलिस वाला दिखा। इसके टपली मार के इसका टकला फोड़ के इसकी गाड़ी लेकर चलते हैं यार, लेट्स गो। या तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब निकल यहाँ से, निकल निकल, टपक टपक, चल टपक जा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये हुई ना बात। अब फटाफट से मैं इसके कपड़े पहन लेता हूँ और बन जाता हूँ एक खतरनाक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। यस लेट्स गो। चलो यार कपड़े रेडी है, कपड़े वपड़े सब कुछ ले लिए हैं। इसकी आईडी छीन के इसकी आईडी पे मैंने अपनी फोटो लगा दी है। अब चलते हैं फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगा था इतने इजी होने वाला ये। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट। चलो चलो ये लेट्स गो। अरे वाह यार, क्या इजी था यार पुलिस वाले को पीटना। और अभी मैं बन चुका हूँ शेरिफ, यानी पलिटो बे वाली पुलिस। अभी जल्दी से निकलते हैं लॉस सैंटोस की पुलिस स्टेशन और फटाफट से जाकर यार फ्रैंकलिन को बचाते हैं। बहुत ही इजी था मेरे लिए ये तो। चलो चलते हैं। ये क्या है यार, सामने बैरिकेड, सर चेकिंग हो रही है। अरे हाँ, तुम पुलिस वाले, तुम कब से पुलिस वाले बने, हमने तो तुम्हें देखा नहीं है। वो सर नया नया ही जॉन हुआ हूँ मैं। और गाड़ी पे इतने स्क्रैचेस? हाँ सर, वो ऐसे ही बस। अच्छा चलो आईडी दिखाओ अपनी। आईडी? पीछे कहाँ जा रहे हो यार? सर आईडी दिखानी है। ये ले तेरी ऐसी की तैसी, देख ले आईडी, दिमाग खराब कर रहा है। चलो यार इन सब को छोड़ो, चलते हैं पुलिस स्टेशन भाई, अपने दोस्त को बचाते हैं और मस्त घर जाके पार्टी करेंगे। ये तो भाई मेरा सिर खा गया है बगल वाला बजा बजा के गाने। अरे यार मैं तो शुक्र मना वो गाने ही रहा, वरना तो हमारे कान के पर्दे ही फट जाते हैं। हाँ गाइज ये तो सही कह रहा भाई, लिटरली में वो अगर गाने लग जाता ना भाई हालत खराब हो जाती। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है भाई, उस बेसुरे सिंगर का कौन सुनने जाता होगा भाई कॉन्सर्ट, वो लोग भी कैसे होंगे। और भाई उसको, उनको भी लूट लिया इस सिंगर ने। क्या ही सिंगर है ये बगल में, भाई साहब कलवे मेरे को नहीं लग रहा भाई ये सिंगर किसी भी एंगल से, मुझे भी नहीं लग रहा। बाकी तो वो सब छोड़ो यार, ये ड्राइवर क्यों नहीं आया अभी तक? अरे यार फोन किया हुआ तो कितने सारे घंटे बीत गए यार, कल पूरी रात चली गई, आज का पूरा सुबह चला गया। गाइस अभी दोपहर हो रखी है और आया ही नहीं अभी तक। लिटरली में कोई बात होती है ये, इस ड्राइवर को बच्चे को आने दो भाई, इस बार छोड़ूंगा नहीं भाई। कब से आवाज, मतलब कब से आवाज क्या, कब से बुला रखा है मैंने इसे। जब ये कभी भी मुसीबत में पड़ता है तो हम कितनी ज्यादा जल्दी दौड़ के जाते हैं, बट ये देखो गाइज अभी तक नहीं आया ये। अरे कब आएगा भाई ड्राइवर, आ जा जल्दी, फोन भी नहीं है दोबारा की करूँ मैं। भाई साहब कल यार एक काम करे, क्या पुलिस वाले को बुलाऊं, उससे फोन छीन के करेगा तू फोन? मैं चुप हो जा तू, चौप के बच्चे कैसे फालतू का आइडिया दे रहा है। अरे पुलिस वालों एक सेकंड के लिए फोन दे दो भाई जरा, फोन वोन है क्या सामने? कंप्यूटर है, फाइल्स हैं, फोन तो नजर नहीं आ रहा है। और होगा भी तो मैं यहाँ से वहां तक हाथ कैसे पहुंचा लूंगा अपना। नहीं नहीं गाइस अब तो वेट ही कर सकते हम लोग। अरे लेकिन कब से तो वेट कर ही रहे हैं। तुम दोनों कहाँ कब से वेट कर रहे हो भाई, घोड़े बेच के सो रहे हो तुम लोग, मैं ही वेट कर रहा हूँ अकेले, पता नहीं कभी आएगा ये, छोड़ो फिर वेट ही करते हैं और क्या। चलो यार आ गया पुलिस स्टेशन। ओ भाई साहब कितनी ज्यादा दूर है यार ये पुलिस स्टेशन, हालत खराब हो गई। खैर जो भी हो, गाड़ी को लगाते हैं साइड में और चलते हैं जरा अंदर।
फटाफट से जाते हैं और अपने कैदियों को लेकर आते हैं, मतलब अपने दोस्तों को बचाते हैं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे यार कपड़े थोड़े से टाइट नहीं लग रहे तुम लोगों को? थोड़े और ढीले होते तो असली लगता मैं। वैसे लग तो अभी भी असली रहा हूँ मैं। अरे हेलो, आप कहाँ अंदर जा रहे हैं? अरे वो मैं पलीटो बे की पुलिस से आया हूँ और मुझे कुछ कैदियों को ले जाना है। कैसे कैदियों को? छोड़ो, मैं तुमसे क्यों बात करूँ, अंदर पुलिस वालों से बात कर लूँगा। ठीक है सर, ठीक है। चलो यार फटाफट से चलते हैं, जल्दी। इस पुलिस वाले को तो कोई शक नहीं हुआ है, इधर कोई भी नहीं है। सही है सही है सही है। ओके आराम से चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो। चलो यार इधर ही शायद जेल है ना। ओ पुलिस वाला एक और, आराम से चलते हैं। हेलो सर। हेलो। अरे कौन हो तुम? सर मैं पलीटो बे की पुलिस से आया हूँ। ओ तो कैसे आना हुआ सर? अरे वो आपने चार कैदियों को पकड़ा है? चार कैदी? हाँ चार कैदियों को पकड़ा है। वो काफी ज्यादा बड़े वाले चोर हैं। हाँ सर काफी बड़े वाले चोर हैं वो लोग। तो एक्चुअली में मैं उनको ही लेने आया हूँ। लेकिन अचानक क्यों? अरे वो एक्चुअली में वो काफी ज्यादा शातिर चोर हैं, उन लोगों ने पलीटो बे में भी काफी चोरियां की हैं। तो यही उन लोगों से पूछना है कि उन्होंने चोरी का सामान कहाँ रखा है। ओ तो पलीटो बे में भी इन लोगों ने चोरियां की है? अरे सर क्या बताओ, बहुत चोरियां की है। अच्छा, वैसे सर आपकी ड्रेस थोड़ी टाइट लग रही है। हाँ वो काफी ज्यादा दिनों से यही ड्रेस पहन रहा हूँ मैं। मतलब जब से पुलिस बना हूँ मैं तब से यही ड्रेस है मेरी। वो तो सबकी एक ही ड्रेस होती है। अरे मतलब तब से ही टाइट है यार। वो सब छोड़ो ना, फटाफट से कैदियों को छोड़ो। सर मुझे आप पर थोड़ा सा शक हो रहा है, जरा आप अपनी आईडी दिखाएंगे? अरे यार ले भाई आईडी चेक कर। सर आईडी तो आपकी ऑल राइट है। ठीक है आपको चाबी मैं दे देता हूँ, आप कैदियों को ले जाना। फिर कब वापस ले आओगे कैदियों को? मैं कभी भी नहीं फिलहाल तो। क्या? मैं कल कभी भी ले आऊंगा। ठीक है सर, ये लीजिए चाबी। थैंक यू सर चाबी देने के लिए। लेट्स गो यार, अब तो अपने दोस्त छूट जाएंगे। अरे हेलो फ्रैंकलिन। अरे ट्रेवर भैया आ गए। भाई साहब यार ट्रेवर आ गया। सच में भाई ट्रेवर तू सच में आ गया यार? बिल्कुल। अरे ये तो खुला हुआ है। अबे वो खुला हुआ लगता है भाई, तू जरा आने की कोशिश कर। रुको यार। हाँ हाँ जरा तू कोशिश तो कर। ये लो। अरे यार नहीं आ पा रहा। देखा ऐसा खतरनाक इन लोगों ने जेल ही बनाया। खैर वो सब छोड़, तू बताना भाई इतनी देर कैसे हो गई? अरे यार क्या बताऊ। चलो वो सब छोड़ो, पहले एक बात बताओ, चोरी तुमने की है कि नहीं? अबे नहीं किया भाई, बेफालतू में मेरे फालतू के पुराने दोस्त ने मुझे फंसा दिया है भाई। चोरी तो छोड़, मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ अता पता भी नहीं था भाई। पता नहीं कहाँ से वो मूर्ति चुरा गया, मुझे दे के चला गया और मुझे फंसा गया। जल्दी से भाई तू निकाल। वैसे तू यहाँ पर कैसे आ गया भाई? वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं जेल के दरवाजे खोलता हूँ और चलो निकलो जरा। खोल खोल भाई फटाफट से खोल। चाबी लेकर आया ना तू? बिल्कुल यार, लेकिन मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अबे नालायक, पहले बचा, बाद में तो मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा। नहीं नहीं डील अभी तय होगी। अरे यार पहले हमें बाहर तो निकालो, फिर बाद में डील तय कर लेना। अब अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। नहीं पहले डील होगी फिर मैं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे ठीक है भाई, क्या चाहिए तुझे? मुझे देखो भाई, तुम काफी सारे घर खरीदते रहते हो, मुझे एक तुम्हारा मस्त वाला बंगला चाहिए। अरे चल ठीक है ले लियो। और इसके अलावा एक रोल्स रॉयस चाहिए। रोल्स रॉयस मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दे दूँ भाई? ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है भाई ले लियो, ठीक है रोल्स रॉयस भी ले लियो। लेकिन भाई एक बात पता चल गई भाई, ट्रेवर तू भी साइमन से कम नहीं है। अरे यार इतनी जान पे खेल के तुम्हें बचाने आया हूँ, कुछ प्राइस भी ना मांगू मैं। अच्छा ठीक है अब तो छोड़, एक और चीज चाहिए। अबे बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, अब क्या चाहिए तुझे? वो एक्चुअली में तुम्हारी वाली गाड़ी चाहिए मुझे। मेरे पास कौन सी गाड़ी है? वो लैम्बोर्गिनी। अबे कौन सी लैम्बोर्गिनी है मेरे पास, वो तो बेच दी मैंने। अच्छा तो फिर और क्या ले सकता हूँ? चलो 2 करोड़ रुपए और। 2 करोड़ कैश चाहिए? हाँ हाँ 2 करोड़ कैश। अरे टोटल में गाइस इसने कितना, 10-15 करोड़ का घर मांग लिया है, 5 करोड़ की रोल्स रॉयस मांग लिया, 2 करोड़ एक्स्ट्रा मांग लिया है भाई। लिटरली में ये 20 करोड़ मांग रहा है मुझे जेल से बाहर निकालने के। नहीं दोगे तो बता दो यार, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है मत दो। अरे अरे ले लियो भाई ले लियो, पहले निकाल तो सही तू। ठीक है निकालता हूँ। चलो यार खोल दिया मैंने। ओ भाई साहब थैंक गॉड लेस्टर, ओ सॉरी ट्रेवर। चलो चलो जल्दी से सारे उठो और बाहर आ जाओ। ठीक है। अरे फैबे चलो यार। तुम दोनों आप जग गए भाई। ड्राइवर भाई उधर क्या देख रहा है? कुछ नहीं, ये तार कैसे हैं? चलो चलते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई ड्राइवर, 2 सेकंड जरा रुकेगा। क्यों? तेरे पास एक्चुअली में चाबियों का गुच्छा है कि सिर्फ हमारे सेल की चाबी है? चाबियों का गुच्छा है क्यों?
इसकी जरा एक सेकंड के लिए सेल खोलेगा? ठीक है, ये लो यार सेल खोल दे। लेकिन क्यों? बताता हूँ तुझे। है बे ओए, और ढोलक वाले, तुझे कब से कह रहा हूँ मैं, मान जा अपने आप को, ज्यादा ही बड़ा सिंगर समझ रहे हैं, दिमाग खराब करके रख रखा है गाइस। सुबह से लिटरली मैं ढम 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 बजा रहा है इसी बगल में, कह रहा हूँ शांत हो जा, शांत नहीं हुआ जा रहा, और इधर गिटार लेके बजा रहा है। अरे यार अब मारी डालोगे क्या? नहीं भाई, जिसने कान पका दिया ना इसलिए पीट डाला मैंने इसे। ओके गाइस, और ये इसका भाई, खैर इसे तो छोड़ो, ये तो शांति से बैठा हुआ है। ओके चलो भाई, चल ड्राइवर, चलो। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। क्यों भाई, अब क्या करना है? तुम्हें हथकड़ी लगानी है। व्हाट, 20 करोड़ लेके तू मुझे हथकड़ी लगा के बाहर ले जाएगा? अरे बात को समझो यार, मैं पुलिस वाला हूँ और तुम चोर हो, और मैं तुम्हें दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो इसलिए हथकड़ी लगानी जरूरी है। ठीक है भाई, लगा दे हथकड़ी, क्या ही कर सकते हैं। हाँ रुको, हथकड़ी लगा दो पहले। तू भाई सच में हथकड़ी लगाएगा मेरे को? अरे फैमिया लगवा लो यार। चलो ठीक है यार, तुम्हें हथकड़ी अच्छा नहीं लग रहा तो चलो कैंसिल। पक्का? देख ले भाई। हाँ ठीक है, आ जाओ चलो। ओ गाइस चलो पे चौप भाई, तू भी आ जाओ फटाफट से चलते हैं। चलो भाई चिंचन। हाँ आ जाओ जल्दी चलो। तो ठीक है सर, चलता हूँ मैं। ठीक है। वैसे आपको जो भी सामान मिले सर बता देना क्या क्या चुराया था इसने। हाँ ठीक है सर, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको जरूर बता दूंगा। और ये जितने भी कह दिए कल तक मैं आपको इनके हवाले कर दूंगा। मतलब इनको आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है चलो सर, बाय बाय। ठीक है सर, मिलते हैं। अरे लेकिन सर आप इन्हें जरा हथकड़ी लगा के ले जाते। नहीं कोई नहीं, ठीक है ऐसी कह दी। ठीक है आ जाओ, चलो शांति से, बहुत शातिर चोर हो तुम लोग, चलो मेरे संग। अरे चलो ड्राइवर भैया। अरे ड्राइवर भैया मत बोल। अरे हाँ मतलब चलो पुलिस ऑफिसर सर, चलो आ जाओ। बहुत पिटोगे तुम लोग आज, बहुत ज्यादा चोरियां करते हो तुम लोग, आज छोड़ूंगा नहीं। देखा भाई कैसे बचा ली मेरे दोस्त ड्राइवर ने। अरे यार अभी सब छोड़ो, अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, चलो। हेलो सर। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, एक काफी ज्यादा नकली आदमी नकली पुलिस वाला बन के घूम रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे और वो पलीटो बे की पुलिस बन के घूम रहा है, उसकी फोटो भी हम लोगों ने खींची है, उसकी फोटो अभी तुम्हारे फोन पर सेंड करते हैं, और कहीं भी दिखे उसे दबोच लेना। ठीक है सर, फोटो भेजिए आप। ठीक है, ये रही फोटो। ये तो अभी उन कैदियों को ले गया। तो ये नकली पुलिस वाला है और ये उन लोगों को बचाने आया है। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक भाई रुक, ओए रुक जाओ, ओए नकली पुलिस वाले, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ गया ये, भागा तो नहीं होगा अभी तक। ये रहा सर, आप लेकर जा रहे हो इन्हें? हाँ लेकर जा रहा हूँ, बताया तो आपको। तेरी ऐसी की तैसी नकली पुलिस वाले, हैंड्स अप। सर आप ये क्या कर रहे हो? अरे बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मुझे पता चल चुका है तू नकली पुलिस वाला है। अभी घुटनों के बल बैठ बना, तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बहुत ही बढ़िया, और तू चलो अब की बार पांचों के पांचों चलो अंदर जेल के, और तुम लोगों को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो सारे के सारे अंदर जेल के, बहुत भाग लिया तुम लोगों ने, चलो सारे के सारे। ओए डॉगी तू भी चल। मैं चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ यार, फिर फंस गए, और तुम लोगों तो इस बार कूट के रहूंगा मैं। चलो सारे के सारे, ड्रामा नहीं, चलो फटाफट से चलो। भाई साहब कितने शातिर प्लान बना रहे हैं ये लोग भागने के लिए जेल से, अब की बार तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को किसी भी एंगल से। चलो सारे के सारे आओ फटाफट, नीचे आओ सारे के सारे, खोपड़ी उड़ा दूंगा वरना मैं। अरे आ तो रहे हैं आप, कितनी ज्यादा तेजी से आए। चलो फटाफट सारे के सारे चलो अब जेल के अंदर, और अब जेल की हवा खाओ, पांचों के पांचों एक ही सेल के अंदर बंद होके। इधर चलो इधर, इस बार ऐसे लॉक किया है कि ना ही खोल पाओगे और ना ही किसी का मोबाइल लेके किसी को फोन कर पाओगे। सर आपको पता कैसे चला वैसे ये नकली पुलिस वाला है? अपने दोस्त से ही पूछो, वो सब कुछ बता देगा। चलता हूँ मैं। ड्राइवर भाई तू ऐसा क्या करके आया कि इनको पता चल गया कि तू नकली पुलिस वाला है? वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई भाई? देखो ये ड्रेस मैंने चुराई एक पुलिस वाले से। ठीक है। फिर गाड़ी चुराई मैंने एक पुलिस वाले से। ठीक है। फिर ड्रेस पहनकर गाड़ी में बैठ के जब मैं आ रहा था तो बीच रास्ते में बैरिकेड लगा रखा था यार पुलिस वालों ने। ओके तो वो लोग मेरी चेकिंग करने लग गए। ठीक है। तुम तो जानते हो यार मुझसे इंतजार नहीं होता, मैंने उड़ा के बैरिकेड तोड़ताड़ के आ गया मैं।
और इसी वजह से उन लोगों को पता चल गया कि तू नकली पुलिस वाला है, क्योंकि असली पुलिस वाला होता तो वहां पर चेकिंग करवाता ना कि बैरिकेड तोड़ के आता। हाँ शायद उसी वजह से। और बस फिर अब इस पुलिस वाले को भी पता चल गया कि तू नकली पुलिस वाला है क्योंकि फोन वोन आ गया होगा और सारा खेल बिगड़ गया। अब ले ले तू 20 करोड़। अरे यार सॉरी, तेरे पे तो गुस्सा आ रही है, कभी कुछ किया भी है नहीं। जितना इसने गाइस टाइम पास किया कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, उतनी देर में तो हम तो गाड़ी के अंदर बैठ के निकल भी चुके होते जब तक इसे पता लगता। लेकिन इसके गाड़ी बंगला ये वो मांगने की वजह से इधर ही रह गए। अरे यार वो भी 1 साल के अंदर 5-5 बंदे। हाँ यार दिमाग खराब करके रखा इस ट्रेवर के बच्चे ने। अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? गुस्सा तो तेरे पे बहुत ज्यादा आ रही है मुझे, बट अब क्या ही कर सकते हैं गाइस, वापस जेल के अंदर बंद हो गए और क्या। एक तो इस ट्रेवर पे मेरे को एक्स्ट्रा गुस्सा आ रही है गाइस, ना इसने वो 20 करोड़ के लिए टाइम पास किया होता ना ही ये होता। अरे यार मेरे पास एक और शातिर प्लान है। अबे रहन दे तू अपने फालतू के प्लान। अरे बढ़िया प्लान है यार, इससे तो हम लोग भाग ही सकते हैं। अरे चुप हो जा, भागी तो गाइस तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए गाइस कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।